Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English spoken class. Friends, how are you? Well. Friends, nowadays I am uploading the video regarding the voice, conversational voice. Okay friends? तो व्हाट इज द कन्वर्सेशनल वॉइस, ये आपको अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी मैंने अभी तक चार वीडियो या पांच वीडियो डाल दिया है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कन्वर्सेशनल वॉइस क्या होता है. और हम कन्वर्सेशन के वक्त, मीन्स कम्युनिकेशन करते वक्त, किसी से बात करते वक्त, हम कैसे कन्वर्सेशनल वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, हम बात करते वक्त. ठीक है फ्रेंड्स, ये जो जानते होंगे उनको ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही होगी, लेकिन मुझे पता है, मैंने हजारों लोगों को पढ़ाया है, तो कितने सारे स्टूडेंट्स को कितना प्रॉब्लम होता है वॉइस को पहचानने में, पैसिव सेंटेंस को पहचानने में. और वो कितनी बार उन्होंने मुझसे कहा कि सर, हम बोलचाल में पैसिव सेंटेंस का हम इस्तेमाल कब करते हैं, कैसे करते हैं. इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना चाहा और मैंने बनाया और डाल रहा हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव सेंटेंसेस को पहचानने और बनाने का नियम बताया था, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को, पैसिव सेंटेंसेस को पहचानना और बनाने का नियम. ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं वो कन्वर्सेशनल वीडियो. Oh, I feel quite drained out. We are visiting after ages. Your visit are now few and far between. Shall I make tea? You want hot water, don't you? Taste this dish. No, thank you. Take. Okay. It's your own house. Don't observe any formality. Thanks for your love. So tell me, how is your family? Well, do you remember once I gave you book? Yes, I remember very well. How can I forget? I read the book. It was very knowledgeable. I want that book. If you have read. Of course, I would like to say to you thank you for this. Thank you. Okay friends, let's start. The conversational voice, past perfect tense. Past perfect tense आप अच्छी तरह से जानते होंगे टेंस, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा टेंस का, तो कि past perfect tense में किस तरह के sentence आते हैं. अब मैं बताऊंगा आपको कि past perfect tense में passive sentences किस तरह के होते हैं. तो पहचानने का नियम यही है कि जब भी verb के बाद, यानी sentence में verb के बाद जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, ऐसा रहेगा, या गया था, ये गए थे, ये गई थी, इस तरह से आएगा. मीन्स ये जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, या ये गया था, ये गए थे, ये गई थी, मीन्स इस तरह का आएगा. जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बताता हूँ कि उस पेड़ को काटा जा चुका था, उस पेड़ को काटा जा चुका था. ठीक है, और हम ज़्यादातर लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं कि उस पेड़ को काट दिया गया था. तो काटना इज द वर्ब, उसके बाद या गया था, दिया गया था, काट दिया गया था आ रहा है ना. फिर या तो हम इसको भी ऐसे बोल सकते हैं कि उस पेड़ को काटा जा चुका था, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं. तो आप समझ लेना कि वो पैसिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का. चलिए हम एक एक करके बनाते हैं. इसका मेकिंग फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी थ्री प्लस अदर्स. मुझे पढ़ाया जा चुका था, या मुझे पढ़ा दिया गया था, या फिर मैंने लिखा है मुझे पढ़ा दिया गया था, सॉरी इधर है लिखा है, मैंने था लिखना था. तो मुझे पढ़ाया जा चुका था, या मुझे पढ़ा दिया गया था. ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं, और दोनों तरीके से हम बोलते हैं, ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने दोनों तरीका लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में. ठीक है, मुझे पढ़ाया जा चुका था, तो मुझे इज द सब्जेक्ट हियर, मुझे सब्जेक्ट है यहां पर. और अगर यहां पर ऐसा होता कि मैंने पढ़ा दिया था या मैं पढ़ा चुका था, तो ये क्या होगा, ये एक्टिव होगा.
क्योंकि मैं पढ़ा दिया था, मैंने ही पढ़ाया था, यानी कि वर्ब और मेरा कनेक्शन बिल्कुल फिट बैठता है, मैं ही क्रिया कर रहा हूँ, मैं ही कर्म क्रिया करने वाला हूँ। सो यहाँ पर डायरेक्ट संबंध सब्जेक्ट का वर्ब से है तो यह एक्टिव सेंटेंस होगा, मैं पढ़ा चुका था या मैंने पढ़ा दिया था, दिस इज द एक्टिव, और मुझे पढ़ाया जा चुका था, दिस इज द पैसिव सेंटेंस। ओके, अभी हम बनाते हैं। आई हैड बीन टाउट, ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर आप ये सोच रहे हैं इसका अलग इंग्लिश होगा, दोनों का यही इंग्लिश होगा। उसे गिरफ्तार किया जा चुका था या उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ही हैड बीन अरेस्टेड, ठीक है फ्रेंड्स। बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पता है ना, सेम फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ हैड लगाना है, हैज हैव की जगह पर, ठीक है। सभी कुर्सियां बेची जा चुकी थी, तो ऑल चेयर्स हैड बीन सोल्ड, ठीक है फ्रेंड्स। हम बोलचाल में ज्यादातर ऐसा भी बोलते हैं कि ऑल चेयर्स वर सोल्ड, बोल देते हैं, बोलने में क्या जाता है, सामने वाला समझ जाता है, बहुत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था, और अभी हम इसका इंटरोगेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स बना के देखते हैं क्या करके, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया सेंटेंस, अब फटाफट बनाते हैं हम। उसे सूचित नहीं किया गया था, सिंपल है, हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। क्या घंटी बजाई जा चुकी थी, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या घंटी बजा दी गई थी, या क्या घंटी बजाई जा चुकी थी, या क्या घंटी बजाई जा चुकी थी, दोनों एक ही हुआ। तो हैड द बेल बीन रंग, उसे क्यों गिरफ्तार किया गया था, दिस इज द क्वेश्चन वर्ड्स, तो सो व्हाई हैड ही been arrested, why had he been arrested, ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है। मेरे बाजार पहुंचने से पहले सारे आम बेचे जा चुके थे, इस तरह का सेंटेंस, डबल सेंटेंस वाला, मेरे बाजार जाने से पहले सारे आम बेचे जा चुके थे, तो all mangoes had been sold away before I reached market, ठीक है फ्रेंड्स। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बजाई जा चुकी थी, द बेल हैड बीन रंग बिफोर आई रिस्ट स्कूल। तो इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जो भी दोस्त हमारे नए हैं हमारे चैनल पे, या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, उन दोस्तों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।